क्वेश्चन है, हैलोजन लैंप में प्रयुक्त फिलामेंट होता है। ऑप्शन ए यूरेका का, ऑप्शन बी टंगस्टन का, ऑप्शन सी कार्बन का, ऑप्शन डी तांबा का। तो देखिए, जो हैलोजन लैंप होता है, जो हम लोग ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करते हैं, ये 500 वाट या 1000 वाट का होता है। ठीक है, 500 वाट या 1000 वाट का होता है, और इसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। किस धातु का होता है? आपका हैलोजन लैंप जो होता है, इसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, टंगस्टन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सी एफ एल लैंप का पूरा नाम होता है। तो देखिए, सी एफ एल लैंप जो होता है, जो हम लोग पहले यूज करते थे, एलईडी लाइट्स आने के पहले, जो हम लोग ये ट्यूब वाला, जो डबल ट्यूब या ट्रिपल ट्यूब वाला जो यूज करते थे बल्ब, हम लोग जो बल्ब यूज करते थे जिसमें ट्यूब होता था, ठीक है, वो सी एफ एल लैंप होता था। तो उसका जो पूरा नाम होता था वो, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, कोटेड फ्लोरोसेंट लैंप, ये नहीं होगा। कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप ये होगा। अगला है कॉपर फिलामेंट लैंप, और डी है नॉन ऑफ डी। तो देखिए, सी एफ एल का पूरा पूर्ण रूप जो होता है वो होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमारा क्वेश्चन है अगला, एम ए टी टाइप लैंप का पूरा नाम होता है। मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप, मरकरी आर्क टंगस्टन लैंप, मरकरी ऑक्सीजन टंगस्टन लैंप, और उपरोक्त सभी। तो जो एम ए टी टाइप लैंप होता है, उसका पूर्ण रूप आपका होता है मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप एम ए टी का पूर्ण रूप होता है मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप। अगला क्वेश्चन है, एच पी एम वी का मतलब होता है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप। एच पी एम वी लैंप 125 वाट 250 वोल्ट के लिए पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए प्रयुक्त कैपेसिटर है। 20 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड का, 2.5 माइक्रोफेराड का, 4.5 माइक्रोफेराड का। तो देखिए, इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा 10 माइक्रोफेराड का। ठीक है, कि 125 वाट और 250 वोल्ट एच पी एम बी हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, जो आपका बल्ब है, उसके लिए पावर फैक्टर सुधारने के लिए हम 10 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम वेपर लैंप के ट्यूब में भरा जाता है। सोडियम वेपर लैंप के ट्यूब में भरा जाता है, ऑप्शन ए मरकरी और नियॉन गैस, ऑप्शन बी सोडियम पाउडर और नियॉन गैस, ऑप्शन सी टंगस्टन और नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी फ्लोरोसेंट पाउडर और नियॉन गैस। तो देखिए, इसमें हमारा जो सोडियम वेपर लैंप होता है, उसके ट्यूब में सोडियम पाउडर और नियोन गैस भरा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा।